हेलो ऑल वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मै जॉन आपकी होस्ट और एन डी सोशल साइंस के लिए आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स अभी पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या फिनिश किया मौर्य सम्राट अशोक की बात की मौर्य डायनेस्टी की हमने पूरी बात की उन्होंने कैसे वॉर को गिव अप किया उस हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी क्या वो धम्मा स्प्रेड करना चाहते थे लोगों के अंदर धर्म की फीलिंग लाना चाहते थे इस इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा नया टॉपिक शुरू हो जाता है क्या गुप्ता डायनेस्टी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर कौन थे किस तरीके से बढ़े उनके पिताजी उनके दादाजी पर दादाजी कौन थे किस तरीके से पूरी डायनेस्टी आगे बढ़ी हर्षवर्धन के बारे में हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं ठीक है तो हमने ये था कि अभी अशोक वाला चित्ता पाठ था ना वो हमको कैसे मिला था इंस्क्रिप्शन के थ्रू कुछ, 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 साथ साथ हमको कौन सी चीजें यहाँ पर मिलेगी हम उनके बारे में पढ़ेंगे थ्रू कॉइन्स कॉइन्स वगैरह पर भी उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी है ना अलग अलग पेंटिंग्स हम देखेंगे बहुत सारी चीजें के अंदर गुप्ता

पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं ऐसी टीचर हूं मैं ऐसा पढ़ाती हूँ मैंने इतने बच्चों को ये चीजें करवाई है इतनी एग्जाम क्लियर करवाई है ये चीज अगर मेरी प्रशंसा में मेरे को आप तक कुछ पहुंचाना है तो उसको क्या कहा जाएगा प्रशस्ति ये इंस्क्रिप्शन का ही एक टाइप है समझ गए कि नहीं समझ गए तो वैसे ही प्रशस्ति से हमको किसके बारे में पता चला समुद्र गुप्त के बारे में पता चला और इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पे लिखा था इंस्क्रिप्शन लिखा था अशोकन पिल्लर जो कि इलाहाबाद में है

बल्ले बल्ले करके हमको टिक कर देना ठीक है क्या लिखा है भैया क्या कंपोज किसने किया चाहिए प्रशस्ति कंपोज किसने किया किसने तारीफ लिखी है जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को मेरी तारीफ आप तक पहुंचानी है तो मैं किसी को बोलूंगी जो पढ़ा लिखा है समझदार है जिसको बातें समझ में आती है जो लिख सकता है उसको मैं बोलूंगी कि भाई देख मेरे को मेरे बारे में ऐसा ऐसा लिखवाना लिख दे यार तो ऐसा ही किसने लिखा समुद्र के बारे में समुद्र के बारे में लिखा यह काव्य के तौर पर लिखा गया किसके द्वारा हरी सेना के द्वारा लिखा गया हरी सेना कौन थे हरी सेन भी कहा जा सकता है हरी सेना भी कहा जा सकता है हरी सेना भी कहा जा सकता है

राज दरबार में बैठे हुए पोएट लिखा करते थे

प्रशस्ति का मतलब क्या होता है इन प्रेज ऑफ इनकी प्रशंसा में ऐसे हिंदी में यदि हम बोले तो क्या हम क्या कर रहे हैं प्रशस्ति के थ्रू प्रशंसा कर रहे हैं ठीक है वर सचेस की। उनके बारे में भी उनकी प्रेज में भी बहुत बहुत सारी चीजें लिखी गई थी तो ये भी है ये भी आपको नाम याद रखना है कि इनके पहले और किसकी प्रशस्ति लिखी गई थी लेकिन गुप्ता में आते इसके पहले आपने ऐसा कुछ नहीं इंस्क्रिप्शन वगैरह हमने सुना लेकिन ऐसी प्रशस्ति प्रशस्ति नाम ये हमने ये वाले में अभी हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा बता रहे हैं कि इनके पहले जो है वो प्रशस्ति किसने लिखी थी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में लिखी गई थी और यही क्या करते थे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में सब कुछ लिख दिया और फिर अब गुप्ता डायनेस्टी में आए ना तो प्रशस्ति प्रशस्ति बहुत ज्यादा फेमस हो गया कई सारे रूलर्स ने अपने बारे में अच्छी अच्छी तारीफें जो है वो लिखी ताकि आने वाली जनरेशन उनके बारे में याद रखे समुद्र के बारे में आप जानते हैं ठीक है आप समुद्र की बात करते हैं प्रशस्ति अच्छे समझ में आ गया कहाँ पे मिली

गाते थे इतने समझदार थे खूब वीणा बजाया करते थे अच्छे पोए थे समझ रहे हो कि साउंड आ रहे कि नहीं आपको किसी की तारीफ करते हुए तो इस तरीके से उनकी प्रशस्ति जो है वो लिखी गई थी क्या लिखा है एक बार प्रशस्ति पढ़ लो हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग बींग कवर्ड विद द प्लैंटियस ब्यूटी ऑफ मार्क ऑफ हंड्रेड ऑफ स्कार्स कॉज बाय बैटल एक्सेस एरो स्पाइक्स पियर्स बाब डार्ट्स स्वॉर्ड, आयरन क्लब जेवलिन बाब डेरोस एंड मेनी अदर वेपन्स क्या बता रहे हैं इस प्रशस्ति से ये मतलब ये प्रशस्ति का छोटा थो, सा हिस्सा है यहाँ पे लिखा गया है क्या बता रहे ये कि उनकी बॉडी जो थी वो कैसी थी बहुत चार्मिंग बॉडी उनकी थी जो कि कवर्ड थी किससे कवर्ड थी मतलब आ, मार्क से निशानों से कवर्ड थी इस बॉडी वॉज वेरी मच ग्लोइंग और उनकी बॉडी निशानों से कवर्ड थी किस किस के निशान तो ये सारे के सारे वेपन्स के उन्होंने नाम दे दिए सारे क्या है वेपन्स के नाम है मतलब इससे ये बताना चाहते हैं कि ऐसा एक भी वेपन नहीं है जो उनके ऊपर ना चला और वो अभी भी उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या थी चार

आर्यवर्त आर्यवर्त के राजाओं के साथ में समुद्रगुप्त के कैसे संबंध थे भैया तो आर्यवर्त आप कहां पे देख सकते हो ग्रीन कलर में देख सकते हो ग्रीन कलर का है ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है पूरा आर्यवर्त तो ये आर्यवर्त के साथ में समुद्र के संबंध क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर नौ रूलर्स थे आर्यवर्त में कितने रूलर्स थे साथ में बोलना नौ रूलर्स नौ रूलर्स थे उनको अपरूट कर दिया गया अपरूटेड मतलब उनको जड़ से उखाड़ पहाड़ फेंका यानी कि उनका जो रूल था वो खत्म कर दिया और किसने ले लिया समुद्रगुप्त ने ले लिया मेड पार्ट ऑफ समुद्र एम्पायर तो यहाँ पर आर्यवर्त साम्राज्य था नौ रूलर्स यहाँ पर राज किया करते थे समुद्रगुप्त ने उस सब को हटाकर अपने एम्पायर के अंदर शामिल कर लिया पहला वाला पार्ट समझ गए कि नहीं आई होप समझ गए ये रे कॉइन्स है ना ये जो मैं कॉइन्स आपको बता रही थी ना कि जिसके अंदर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए तो ये कॉइन्स को जैसे दिए हुए हैं जिसके अंदर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए भी पाए गए तो उससे हमको पता चला कि भैया ये तो वीणा बजाने के भी शौकीन थे है ना तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए ना उनके उसके बाद में सेकेंड रूलर की यदि हम बात करें तो राजा ऑफ दक्षिण पथ दक्षिण दक्षिण मतलब दक्षिण क्या होता है एक तरह की दिशा होती है ठीक है तो अब दक्षिण में कौन थे भैया दक्षिण में यदि हम बात करें तो रेड डॉट्स में हमको दिख रहे दक्षिण क्या होता है ये वाला हिस्सा है ना आ, जो उधर वाला होता है ना ईस्ट वाला ठीक है तो ये ईस्ट वाला हिस्सा हमको यहाँ पे दिख रहा है दक्षिण पथ इसको कहा जाता था तो ये क्या है वैसे तो पूर्व होता है ईस्ट ऐसे मैंने बोला कि मैम ईस्ट को पूर्व से दक्षिण कर दे रही है दक्षिण मतलब कहीं कही ना कहीं नीचे वाले की तरफ जैसे ये वेस्ट और साउथ के बीच मतलब ईस्ट और साउथ के बीच का हिस्सा है ना तो उसको दक्षिण पथ कहा जाता था मतलब कि दक्षिण की तरफ चलते हुए जो रास्ता आ रहा है ना तो दक्षिण पथ उसको साम्राज्य को ही ये कहा जाता था तो जो रेड डॉट्स में आपको दिख रहे हैं ना यहाँ के राजाओं से समुद्र गुप्त के संबंध कैसे थे यहाँ के राजाओं से समुद्र गुप्त के संबंध ऐसे थे कि इन्होंने पहले जब ये हार गए

कि कौन से कलर में भैया पर्पल कलर ये जो पूरा आपको कलर दिख रहा है ना ये पूरा पर्पल 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 कलर का आपको ये जो मार्केट दिख रहा है ये पूरा क्या है भाई इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इसको कहा जाता है कौन-कौन से स्टेट्स आएंगे इसमें असम कोस्टल बंगाल नेपाल नंबर ऑफ गणसंघ गणसंघ कहाँ थे कहां पड़े थे कमेंट्स में बताना गणसंघ कहाँ थे कहाँ पड़े थे कौन गणसंघ मतलब एक बहुत ही वो जो प्रोमिनेट नेम जो गणस को बिलोंग करता था मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कमेंट्स में जरूर बताइएगा ब्रॉड ट्रिब्यूट फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट तो यहाँ के राजा कैसे थे यहाँ कितने राजा थे भैया यहाँ पे नंबर ऑफ राजा नहीं बताया यहाँ पर बताया कि ये ये यह वाले स्टेट्स थे ठीक है और यहाँ के लोग यहाँ के राजा किस तरीके से बिहेव करते थे समुद्र के साथ में सारे ऑर्डर्स माना करते थे गिफ्ट लेके आते थे तो एकदम बढ़िया से इनके संबंध थे और उनके कोर्ट को भी इनका जो समुद्रगुप्त का कोर्ट था उसको उसमें भी वो लोग क्या करते थे आया करते थे आउटलाइनिंग एरियाज बाहर वाले ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ना ये क्या है हमारे आउटलाइनिंग एरियाज इसके संबंध कैसे थे समुद्रगुप्त से एरियाज इन ब्लू डिसेंडेंट्स ऑफ कुशाना एंड शाखा शाखा कुशाना डायनेस्टी के रूलर्स के डिसेंडेंट्स यहाँ पर काम कर रहे थे फिलहाल तो ऑल्सो रूलर्स ऑफ श्रीलंका के बारे में भी हाँ पे ब्लू में आपको जो दिख रहा है ना श्रीलंका वाले रूलर्स भी आपको दिखेंगे सबमिटेड टू एन ऑफर डॉटर्स इन मैरिज तो तो इन्होंने और ये अच्छा संबंध बना लिया था इन्होंने सबमिट भी कर दिया समुद्र को बोला राजा साहब राजा साहब माफ कीजिए माफ कीजिए इन्होंने सबमिट भी कर दिया समुद्रगुप्त को और साथ ही साथ क्या किया इनकी बेटियों से शादियां वगैरह भी उन साम्राज्य में करवाई दे

स्टेट्स का एरिया है कैसे रूलर्स थे बहुत बढ़िया एकदम ट्रिब्यूट वगैरह भी लेके आते थे गिफ्ट वगैरह भी लेके आते थे कोर्ट में भी जाया करते थे राजा साहब के साम्राज्य में भी बैठा करते थे फिर आता है ये बाहर वाला हिस्सा आउटलाइनिंग एरिया वाला कौन सा भैया ये इधर वाला और ये नीचे श्रीलंका वाला इन्होंने तो पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और इन्होंने इवन अपनी बेटियों को भी शादी के लिए प्रस्ताव में रख दिया था कि ठीक है हाँ हम हमारी बेटियों को की भी शादी आपके यहाँ पर करवा देंगे तो ऐसी यहाँ की स्थिति थी तो ये चार तरीके से हमने समुद्रगुप्त की गाथा देखी कि इस तरीके से उनके संबंध थे आसपास आसपास वाले सारे मतलब हमने ओवरऑल पूरा इंडिया का वहाँ भी कवर कर लिया सिर्फ नीचे नीचे का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बाकी था ठीक है तो ये समुद्रगुप्त की डायनेस्टीज की बात होगी अब समुद्रगुप्त के माता पिता कौन थे मैम आप बोल रहे थे कि आप समुद्रगुप्त के माता पिता के बारे में बताओगे माता कौन थी उनकी पिता कौन थे उनके दादा परदादा कौन थे तो यह भी हमको प्रशस्ति कहीं ना कहीं जैसे कहानियों में की बताया उनकी माता जो है इनका नाम ये था वो ऐसा किया करती थी तो इसे अलग अलग मतलब कुछ अलग से मैंशन नहीं है पर इसी बातों -बातों में उनके नाम जो है वो बताए गए हैं जैसे कि मदर उनका नाम क्या था कुमारा देवी कुमार देवी उनका नाम था कौन थी समुद्रगुप्त की माता थी शी बिलोंग टू लिच्छावी गण ये भी मुझे कमेंट में बताना बताना चाहिए ठीक है ये गण जो है वो हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया है और वो दोनों नाम इतने प्रोविनेट है कि उन्हीं के हिसाब से जैनिज्म और बुद्धिज्म इतना मैं हिंट आपको दे सकती हूँ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लच्छावी गण को कौन बिलोंग किया करते थे लच्छावी गण को बताना और एक और अभी मैंने आपसे जो सवाल पूछा था दोनों मेरे को कॉमेंट्स में दिखने चाहिए जो तो लिच्छावी गण को बिलोंग करती थी कौन कुमारा देवी इनके पिता कौन थे इनके पिता थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त के पिता थे इनको मौर्य अशोका वाले उनसे मिक्सअप uh, मत करना ही वाज़ अ डिफरेंट चंद्रगुप्त तो ये चंद्रगुप्त जो है इनके पिताश्री थे महाराजा धीराज जो हम कहते हैं ना महाराजा धीराज पधार रहे हैं तो ये कहाँ से शुरू हुआ था ये महाराज धीराज का टाइटल लेने वाले सबसे पहले राजा कौन थे ये चंद्रगुप्त ही थे जो कि समुद्रगुप्त के पिताजी थे इन्होंने ये ये टाइटल लिया था सबसे पहले पूरी हिस्ट्री में उसके बाद में फिर वो महाराजा धीराज महाराजा धीराज बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे रूलर्स अपनाने लगे ये टाइटल समुद्र ने भी फिर बाद में इसको रूल के, मतलब बाद में ये टाइटल को यूज़ किया है फिर उसके बाद में तो चलने लगा हर चीज़ में खामोश महाराजा धीराज पदा रहे हैं फिर सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं हमने देखा ना बहुत सारी एपिक स्टोरीज़ में तो यदि आपको वो चीज़ याद है तो सबसे शुरुआत में कभी ऐसे कभी एपिक स्टोरी देखने को बैठो है ना मम्मी पापा बैठे और बोल रहे हैं कि देखा तो तुमको और बोल रहे हैं को बता है, महाराज टाइटल लेने वाले सबसे पहले जो थे वो समुद्र गुप्त के पिताजी थे उनको भी बड़ी खुशी होगी आए हमारे बच्चों को कितनी सारी चीजें बताएं समझ गए कि नहीं तो इस तरीके से आप महाराज धीराज वाला टाइटल भी याद रख सकते हो हिस्ट्री को याद करने का यही तरीका है यही तरीका है बोलते रहो हिस्ट्री के बारे में बातें करते रहो हिस्ट्री के बारे में इतनी जल्दी याद होती है बिल्कुल पहले तो पूरी कहानी जैसी है ये सारे चैप्टर तो आपको अलग अलग दे रखे लेकिन आपने अगर पूरे चैप्टर जो मैंने अभी शुरू से अभी तक पढ़ा है ना हिस्ट्री की सीरीज में आप इनको देखोगे सब एक दूसरे से लिंकडअप है सारे के सारे लिंग में मतलब ऐसे जैसे कहानी शुरू करते हैं ना कि सुबह उठते हैं फिर ब्रश करते हैं फिर ये किया फिर ये किया ऐसे दिनचर्या ऐसी ही आप देखो तो ये पूरी कहानियाँ ऐसी है कि सबसे पहले हमारे पास में कुछ नहीं था फिर फिर थोड़ा थोड़ा हम हर्डिंग फार्मिंग से आ, मतलब हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग हर्डिंग की तरफ बढ़े फिर कैसे हमने क्रॉप्स वगैरह उगाए कैसे हम हर्डर्स बने कैसे हमारे सेटलमेंट बने शुरुआत के सेटलमेंट हमने इंडस वैली में देखे फिर कैसे हमने ऋग लिखने लगे वेद हमने लिखना शुरू किए फिर कैसे वर्णों का जो है वो डिविज़न हुआ ओकेपेशन के बेसिस पे वर्ण अलग हुए कैसे पहले रूलर्स जो थे वो बिल्कुल ही सीधे-साधे थे सिर्फ लीडर्स के तौर पे उभर के आ रहे थे ना उनकी कोई सेना थी ना कोई कैपिटल था कुछ भी नहीं था फिर किस कारण से उन्होंने सेना बनाना शुरू की किस कारण से उन्होंने बड़े-बड़े किले बनाना शुरू किए किस कारण से उन्होंने टैक्स बनवाना शुरू किया ये सारा हम अभी तक पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग है कहीं बैठो एकदम मम्मी खाना बना रही है मम्मी कहती होंगी कि यार बात नहीं करते आजकल तो बच्चे समय ही नहीं देते हैं कहते रहते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं बैठना बढ़िया उनके पास में और पूरी कहानी मम्मी बताओ ऐसा होता था ऐसा होता था ऐसा होता था तुम्हारा भी रिविजन हो जाएगा मम्मी को भी सुनने में मजा आएगा जितना ज्यादा समझाओगे जितना ज्यादा उस चीज के बारे में बोलोगे उतना अच्छा ग्रेस्प कंसेप्ट को कर पाओगे भैया हिस्ट्री सोशल साइंस का तो यही फंडा है आगे बढ़े कौन थे भैया ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर कौन थे समुद्र गुप्त के क्या नाम बताया इनका इनको कुछ नाम नहीं बताया जैसे कि इनके पिताजी का नाम बताया ना कि चंद्रगुप्त उनका नाम था लेकिन इनका कोई नाम नहीं बताया है बाकी हाँ उनको महाराजा के नाम से हर जगह पर बताया गया है कि उनके दादाजी महाराजा आर्य मतलब कुछ भी उन्होंने प्रशस्ति में लिखा होगा तो उन्होंने कुछ ऐसा नाम नहीं बताया महाराजा महाराजा से हर जगह पर डिनोट किया हुआ है तो हमको इनका नाम नहीं पता पर हाँ महाराजा महाराजा उनको बोला गया है सीम्स एज ऑफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस मतलब ऐसा इससे ये हम समझ सकते हैं कि इनके जो इनके दादा परदादा होंगे उस समय पे उन लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितना चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के टाइम पे बढ़ी तो हो सकता है इनके नाम नहीं पता हो लोगों को और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के टाइम पे अचानक से एकदम वो नहीं होता बिल्कुल फेमस हो जाते हैं जो तो ये लोग फेमस हो गए और इनके बारे में कहानियां लिखी गई है ना तो ये गुप्ता डायनेस्टी जो है वो एकदम से हो सकता है कि धीरे धीरे करके उभर के आई हो समझ गए कि नहीं चंद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे समुद्रगुप्त के बेटे का नाम रखा चंद्रगुप्त टू नाम वाम में ज्यादा लोड नहीं लेते थे ये दिमाग लगा

है ना ये जो वेस्ट वाला पार्ट है इसको चंद्रगुप्त टू ने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिशन ने वहां पे किया था और लास्ट ऑफ शाकास उधर वाले एरिया पे थे ना ऊपर शाकास तो उनको भी लास्ट शाका की जो आखिरी जो वंश था उसको भी इन्होंने हटा दिया था और फिर अपना साम्राज्य वहाँ पर फैला दिया था फिर शाका जो है वो खत्म हो चुके थे मतलब ऐसा नहीं है कि वंशी खत्म हो गया थे लेकिन राजा नहीं रहे थे समझ गए कि नहीं उसके बाद में वो लोग राजा नहीं बने राजा वाजा नहीं बने ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला लास्ट ऑफ शाकास जो है वो किसने अच्छा ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है हु ओवरकेम द लास्ट ऑफ शाकास तो आपको लिखना है क्या चंद्रगुप्त टू ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी ठीक है ही ही ओवरकम लास्ट ऑफ ऑफ कोर्ट फुल पीपल काफी अच्छे थे ये भी इनके पिताजी की तरह ही नाम रोशन कर रहे थे अब ये जो रूलर्स के सोर्सेज है ना ये हमको पुराने वाले कैसे मिले थे इंस्क्रिप्शन कॉइन से मिले थे लेकिन ये अभी तक जो हमने देखे ये वाले कैसे समुद्र के बारे में बात की चंद्रगुप्त के बारे में बात की आ, अभी उसके पहले हमने अशोका की बात की थी पिछले वाले चैप्टर में तो इनके बारे में कैसे पता चला कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से पता चला लेकिन इनके अलावा जो दूसरे रूलर्स हैं, उनके बारे में भी हमको पता चलता है किसके थ्रू बायोग्राफीज बायोग्राफीज के थ्रू नहीं तो बच्चे को लगेगा ना सब कुछ कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से ही पता चल रहा था क्या इसके अलावा कोई चीजें नहीं थी थी भाई बायोग्राफीज भी लिखी जा रही थी मतलब कहानियां जैसे कि अब ये मतलब ये समझ सकते हो कि इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स तो छोटी छोटी चीजें थी प्रशस्ति और ये इसके ऊपर लिखवा रहे थे मतलब कि कैसे पत्थरों वगैरह के ऊपर लिखवा रहे थे गढ़वा कर ताकि सालों साल ऐसे रहे है ना अब ये जो दूसरे रूलर्स है जै, जैसे कि हर्षवर्धन हो गए तो इन्होंने तो अपने बारे में पूरी की पूरी कहानी छपवा रखी है कि कहाँ ऐसे शुरू हुए थे क्या क्या किया क्या, क्या जैसे हम महाभारत रामायण पढ़ते हैं ना ऐसे हर्ष चरिता इन्होंने लिखवाई तो दूसरे रूलर्स जैसे कि हर्षवर्धन इन्होंने कैसे इनके बारे में हमको कैसे पता चलता है बायोग्राफी के थ्रू पता चलता है यदि एमसीक्यू में आ जाता है कि हाउ डू वी नो अबाउट हर्षवर्धना तो वी कैन राइट थ्रू बायोग्राफीज हाउ डू वी नो अबाउट अशोका समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू, सो थ्रू इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइंस समझ गए कि नहीं समझ गए तो हर वाले पॉइंट से एमसीक्यू निकालना सीखो ये मतलब ऐसा नहीं है जो होती है ना, ये ऐसा नहीं होता आंसर है।, है, है जैसे कि आप पैराग्राफ पढ़ते जा रहे, आप जा रहे हो जैसे कि मैं आपको बोलते जा रही हूँ भी ऐसा लग है ना, कि एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है सीधा जैसे किसी का नाम या प्रशस्ति किसने लिखी या कितने साल पहले का राज्य था या ये राजा किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था ऐसे ऐसे ही क्या है एक एक नंबर के तो नोट्स बना रहे हो ना तो नोट्स में से बड़े बड़े

नोट्स में क्या लिखो ऐसे छोटे छोटे से रीज़न लिखो या तो कि टैक्स शुरू किया तो किस कारण से टैक्सेस जो है वो शुरू हुए थे या अभी हम देखें तो किसके साथ में कैसे संबंध हमने सारे संबंध देखे तो भैया विच रीजन फर्ड देयर डॉटर्स टू मैरिज जैसा करके कुछ आ जाता है तो फिर आपको बता देना है कि भैया जो आउटलाइनिंग एरियाज थे और श्रीलंका का एरिया था उन्होंने उनके ऐसे संबंध हो गए थे कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था और फिर कहा था कि चलो हमारी डॉटर्स uh, से भी हम मैरिजेस जो है वो करवा देंगे तो ऐसे जो एक एक लाइन के एक एक वर्ड के क्वेश्चन है ना ये आपको निकालना सीखने हैं एनटीए हो गई कोई भी एम सी क्यू बेस्ड एग्जाम हो गई ये तरीका रखा करो पढ़ने का अप्रोच टू स्टडी हमको पता होना चाहिए नहीं तो पता चला फिर यहाँ पर बड़े बड़े पैराग्राफ लर्न कर रहे हैं अरे यार सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ कैसे कवर करेंगे बहुत सारा लर्न करना है अरे बड़ा बड़ा नहीं लर्न करना है छोटी छोटी सी लाइनें हैं एक एक दो दो वर्ड्स हैं जिनको रिलेट करते करते हमको समझना है बस दिमाग में आस पास आस पास का भी पता रहना तो बिल्कुल टिक कर देंगे क्योंकि ऑप्शन में से तो एलिमिनेट करके भी हम निकाल सकते हैं ना समझ गए कि नहीं समझ गए तो आर्षवर्धना के बारे में हमको पता चलता है ही रूल्ड नियरली इन्होंने रूल किया था अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशस्ति प्रशस्ति लिखी गई थी किसकी प्रशस्ति की हमने बात की थी समुद्रगुप्त की तो वो किसने लिखी थी हरी सेना ने लिखी थी अब यहाँ पे इनकी हर्षवर्धन की जो है किसने लिखी थी बायोग्राफी बाण भट्ट ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी बाण भट्ट कौन थे बान भट्ट रोट इज बायोग्राफी हर्षवर्धन चरित इन संस्कृत संस्कृत में लिखी थी क्या नाम था बायोग्राफी का हर्षवर्धन चरित्र ठीक है गिव्स द ऑफ विद बिकमिंग किंग तो मतलब इन्होंने हर्षवर्धन चरित्र में बान भट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में इतना सारा ऐसा लिख रखा है पूरी बायोग्राफी बायोग्राफी कैसे होती है आजकल मूवीज भी बनने लगी ना बायोग्राफी के ऊपर की शुरुआत से कहा से शुरू हुए आखिरी तक जो भी उनका पीक पॉइंट था वहां तक सारी चीजें बताते हैं तो ऐसे इन्होंने भी बायोग्राफी में हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है और हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या बताया है पूरी जीनोलॉजी जैसे कि जीनोलॉजी अभी हमने किसकी देखी थी समुद्र की देखी थी कि उनके पिताजी उनके माता उनके ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर फादर जैसे इनके बारे में भी बताया है साथ ही साथ खत्म कहाँ किया है खत्म जब ये किया है जब वो किंग बन जाते हैं फाइनली किंग जब वो बन जाते हैं वहां पे आगे इनकी बायोग्राफी जो है वो खत्म होगी ठीक है समझ गए कि नहीं समझ गए तो ये हर्षवर्धन है बाण भट्ट की आप इमेज देख सकते हो आप याद रख सकते हो क्या क्या लिखा है भैया अभी तो हर्षवर्धन के बारे में हमने देखा कि हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन थे बाण भट्ट उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बायोग्राफी लिखी साथी साथ ही साथ साथ ही साथ जो थे वो ही अ चाइनीस पिलग्रिम आपको याद होगा चाइनीज पिलग्रिम के बारे में हमने पढ़ा था जैनिज्म और जेनिज्म चैप्टर में कि वो बुद्धा को बहुत ज्यादा मानते थे और उनके बहुत सारे सामान यहां से चाइना लेकर जा रहे थे जब वो रिटर्न हो रहे थे तो ये क्या थे ये पिलग्रिम थे मतलब जो तीर्थयात्री जैसे होते हैं ना या फिर पर्यटक कह सकते हैं तीर्थयात्री कह सकते हैं है ना तो ये चाइना से यहाँ आए थे यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी तो ये हर्षवर्धन के कोर्ट में भी बहुत समय तक रहे उनके कोर्ट में भी रहे उनकी भी चीज़ें इन्होंने देखी किस तरीके से काम होता है क्या नहीं होता है क्या नाम है जुहैन जैंग याद रखिएगा ठीक है तो जुहैन जैंग यहाँ पर बैठते थे उन्होंने ऑल्सो ही ऑल्सो रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वॉट इज किस तरीके से हर्षवर्धन काम करते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं

में बैठा करते थे हर्षवर्धन के कोर्ट में भी बैठा करते थे लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ 40 सो ही वाज नॉट द एल्डेस्ट किंग ये जो हर्षवर्धन थे ना ये सबसे बड़े वाले किंग नहीं थे मतलब यूजुअली क्या होता है कि किंग कैसे बनते हैं राजा कैसे बनते हैं ना कि आ, पर्सन है कोई है ना पर्टिकुलर पर्सन है तो अब उनके बेटे है ना तो मान लो दो बेटे तो दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा होगा वो राजगद्दी पे बैठता है है ना जैसे कि रामायण में हमने देखा रामायण में हमने क्या देखा कि चार बेटे थे चारों को राजगद्दी पे बिठाया था क्या नहीं बिठाया था जो सबसे बड़े थे उनको राजगद्दी पे बिठाएंगे है ना तो यहाँ पर ये यह सबसे बड़े नहीं थे लेकिन राजा कैसे बन गए इनके पिताजी और इनके भाई दोनों की जो बड़े भाई थे उनकी दोनों की मृत्यु हो गई थी उस हिसाब से फिर यही बचे थे है ना समझ गए कि नहीं युवराज यही बचे ना आने वाली पीढ़ी पीढ़ियों में से तो युवराज यही बचे तो फिर इन्हीं को क्या बना दिया गया था राजा बना दिया गया था बोथ फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड ही बिकेम किंग ऑफ थाने सर थाने सर के ये किंग थे साथ ही साथ इनके साले साहब थे साले साहब कहाँ पे थे ही वॉज अ राजा ऑफ कन्नौज कन्नौज जो है कन्नौज जो है वो किसके अंडर था हर्षवर्धन के साले साहब के अंडर था लेकिन बंगाल के जो राजा थे उन्होंने कन्नौज के राजा जो कि हर्षवर्धन के साले साहब थे उनको क्या कर दिया था मार दिया था डिफीट कर दिया था ठीक है मतलब वो कन्नौज के राजा समझो फिर से एक बार और क्या भाई हर्षवर्धन है हर्षवर्धन सबसे बड़े राजा नहीं थे सबसे बड़े बेटे नहीं थे हर्षवर्धन के पिताजी थे और बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे इसलिए हर्षवर्धन को थाने सर का किंग बना दिया था साथ ही साथ कन्नौज भी था कन्नौज के राजा कौन थे हर्षवर्धन के साले साहब ठीक है अब हर्षवर्धन के साले साहब कन्नौज पे राज कर रहे हैं साथ में बंगाल के कोई राजा थे उन्होंने कन्नौज के राजा को डिफीट कर दिया इनको मार दिया तो फिर कन्नौज जो है उसके ऊपर जो कौन आ, काम करने लगा इनको डिफीट करा वगैरह वा, सारा कुछ उन्होंने किया फिर हर्षवर्धन ने बदला लेने के लिए बंगाल के ऊपर आक्रमण कर दिया समझ गए कि नहीं समझ गए ही वॉज स्किल्ड बाय द रूलर ऑफ बेंगाल ओवर कन्नौज कन्नौज फिर उन्होंने ले लिया और लेने के बाद में बंगाल के ऊपर भी क्या कर दिया आक्रमण कर दिया फॉट अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल छोटी सी कहानी है समझ गए कि नहीं समझ गए रूलर को बंगाल के रूलर से भी लड़ाई की और फिर इन्होंने क्या किया ही सक्सेसफुल इन द ईस्ट ही वो सक्सेसफुल इन द ईस्ट और साथ ही साथ क्या क्या कॉकर्ड मगध एंड बेंगाल ईस्ट में भी ये सक्सेसफुल रहे और मगध और बेंगाल के ऊपर भी इन्होंने राज करना शुरू किया कहाँ कहाँ किया वैसे तो थाने सर के राजा थे इनके साले साहब कहाँ के थे मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कहानियाँ कन्फ्यूजिंग हो जाती है चार पांच कैरेक्टर आ जाते हैं तो सब कुछ मिक्स हो जाता है साथ में बोलना मेरे हर्षवर्धन थानेसर के राजा थे बंगाल के राजा सॉरी हर्षवर्धन थाने के राजा थे कन्नौज के राजा कौन थे हर्षवर्धन के साले साहब ठीक है बंगाल के राजा ने कन्नौज के ऊपर अटैक किया और हर्षवर्धन के साले साहब को मार दिया है ना हटा दिया बिल्कुल फिर कन्नौज को जो है वो किसने ले लिया हर्षवर्धन ने ले लिया अब साले साहब को हराया था भैया तो फिर इनका बदला लेना तो बनता है तो इन्होंने बंगाल के ऊपर आक्रमण कर दिया फिर बंगाल भी इन्होंने ले लिया और ईस्ट की साइड में सक्सेसफुल रहे मगध को भी इन्होंने कांकर किया समझ गए कि नहीं आगे भी ये बढ़ना चाह रहे थे आगे भी ये बढ़ना चाह रहे थे ट्राई टू टू नर्मदा मार्च

पुलाकेशिन टू ने रोक लिया समझ गए कि नहीं समझ गए पुलाक्षिन् टू ने इनको रोक लिया और फिर अब हम बात करेंगे किसकी चालुक्य डायनेस्टी के ऊपर हम यहाँ पर आ जाएंगे समझ गए कि नहीं समझ गए तो अब हम किधर आ गए अब हम साउथ की बात करेंगे अभी तक आप अधिकतर सारे मैप में देख रहे होंगे ना जैसे कि ये वाला मैप हो गया ये वाले मैप में भी हमने ऊपर ऊपर वाली डायनेस्टी की बात की इधर वाला मैप जो गया सारे ये रूलर्स की हमने बात की थी इधर इधर वाले सब कुछ कौन कर रहे थे नीचे की हमने बात नहीं की थी ना नीचे कौन कौन थे भैया यहाँ पे चालुक्य थे यहाँ पल्लवा थे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं पल्लवा थे यहाँ पे चेरा थे यहाँ चोला थे नीचे की साइड पंड्या थे तो ये कहाँ पे थे साउथ वाली साइड में थे चेरा चोला पंडिया चालुक्या सब कुछ ये कहाँ पे मिलेंगे हमको साउथ की साइड में मिलेंगे तो आप जब ये हर्षवर्धन नीचे की साइड बढ़ रहे थे जाना चाहते थे डेकन की तरफ डेकन की तरफ ये जाना चाहते थे तब इनको किसने रोका इनको पुलाकेशन टू ने रोका और ये कौन थे ये चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे तो अब हम किसकी बात करेंगे पुलाकेशन की बात करेंगे क्योंकि अब उन्होंने रोक दिया ना इनको वहां पे तो अब स्टोरी कहाँ पे आ जाती है पुला किशन के ऊपर मतलब ऐसा एक जगह से दूसरे जगह ने रोका फिर वो जो बंदा था उसकी हम बात करेंगे फिर उन राजा की हम बात करेंगे समझ गए कि नहीं तो पुला की यदि हम बात करें तो पुलाकेशिन कहाँ कहां पे थे चालुक्य की डायनेस्टी हमको कहां पे दिख रही थी भैया ये रही आपको साउथ साइड नीचे की साइड ये चालुक्या इधर वाली साइड में पल्लवा इधर पंड्या इधर चेरा और ऊपर की साइड में भी हमने देखी थी कुछ कुछ ठीक है तो ये साउथ वाली डायनेस्टीज हमारी हो गई साउथ में मेन डायनेस्टी कौन सी थी पल्लवा और चालुक्या डायनेस्टी जो थी वो मेन थी चालुक्या और पल्लवा बहुत सारा देखो इधर साउथ वाला रीजन इन्होंने ले रखा है ना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज यहाँ की थी चालुक्य से हमने शुरू किया साथ साथ में हमने किसको उठा लिया पल्लवा डायनेस्टी को भी उठा लिया पल्लव की डायनेस्टी ये थी ठीक है स्प्रेड फ्रॉम रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू कावेरी पल्लव डायनेस्टी कहाँ कहाँ से थी कांचीपुरम से कावेरी तक की इनकी डायनेस्टी थी किसकी भैया पल्लव डायनेस्टी चालुक्य डायनेस्टी की, की यदि हम बात करें सेंटर्ड अराउंड रायचूर दोआब रायचूर दोआब जगह है उस वहाँ पे वो उसका सेंटर था किसका चालुक्य डायनेस्टी का सेंटर था उसके आसपास आसपास बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्र कौन सी थी चालुक्य डायनेस्टी रीजन पता चल गए आपको कहाँ से कहाँ तक के थे पल्लव डायनेस्टी की आप बात करें तो फिर से मुझे बताओ कि कहाँ से कहाँ तक थे भैया कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा के के पल्लवा के के कांचीपुरम से कावेरी साथ में की डायनेस्टी यदि हम बात करें तो सेंटर्ड अराउंड रायचूर दायब, है ना और फिर आसपास आसपास क्या था उनका कहां से कहाँ तक कौन कौन सी रिवर के बीच में थे कृष्णा और तुंगभद्रा ठीक है कोई डाउट तो नहीं इसके बीच में पल्लवाज एक्चुअली पल्लवाज एंड चालुक्य लैंड स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर वि प्रॉस्पेरस टाउन अब देखो ये साउथ वाली साइड थे है ना इधर ही वाली डायनेस्टी इधर ही अभी डायनेस्टी डायनेस्टी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रूलर रहेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टक्कर रहेगी ना तो टक्कर थी इन दोनों के बीच में तो ये क्या करते थे एक दूसरे की डायनेस्टी के ऊपर रेड करते थे जो प्रॉस्परस सिटीज थी उस पर रेड करते थे सामान उठा के इधर से ले जाना सामान उठा के इधर से ले जाना ऐसे काम यहाँ पर पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी के बीच में हमको देखने को मिलते हैं चालुक्य डायनेस्टी के जो मेन बात कर रहे थे शुरुआत हमने किससे की थी पुलेकेशन टू से तो पुलकेशन टू के बारे में हम जान लेते हैं ये

ट्रेस बैक टू फोर जनरेशन मतलब उनकी प्रशस्ति के अंदर बहुत सारे लोगों की मतलब चार जनरेशन तक के लोगों की बात की थी कि कौन इनके पिता थे कहाँ से फिर बच्चे पूरा सब कुछ जो है वो पुलुकेशन के बारे में बताया था पुल गॉट द किंगडम फ्रॉम अंकल इनको कहाँ से मिला था इनका साम्राज्य इनको अंकल से मिला था इसके पहले हर्षवर्धन को कैसे मिला था साम्राज्य उनके पिता जी और उनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे इससे हर्षवर्धन को थाने सर का किंग बनाया गया था ऐसे ही चालुक्य डायनेस्टी में पुलोकेशन टू को कैसे मिला था इनको इनके चाचा के थ्रू इनका साम्राज्य मिला था लेड एक्सपेंडिशन अलॉन्ग ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की तरफ ये जाना चाहते थे ईस्ट की तरफ भी वेस्ट कोस्ट मतलब इधर से इधर तक सब कुछ कॉन्कर करना चाहते थे ये वहाँ तक एक्सपेंडिशन इन्होंने बढ़ाया था साथ ही साथ जो हर्षवर्धन वाला जो एरिया था हर्षवर्धन वाला जो एरिया हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर भी इन्होंने चेक किया था तो ऐसी जब रावी की इनकी लिखी है ना प्रशस्ति तो उसमें इन्होंने एक काव्य जैसा कुछ बना रखा है और काफी हास्यात्मक रूप से इन्होंने बताया है क्या बताया है कि हर्षवर्धन का नाम हर्षवर्धन को हर्ष 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 भी कहा जाता था ठीक है तो हर्ष मतलब क्या होता है खुशी है ना अभी चालुक्य किंग जो थे है ना चालुक्य किंग ने अभी रोका था ना हर्षवर्धन को और मतलब वहाँ पे रोक लिया था ना हर्षवर्धन डेकन की तरफ आ रहे थे चालुक्य किंग पुलक ने उनको रोक लिया था और फिर जब रोका तो साथ ही साथ उनकी डायनेस्टी के ऊपर भी उन्होंने चेक लगाया था ठीक है तो जब तो तो चेक लगाया तो ऐसा लिखा गया है कि अब हर्षवर्धन वॉज नॉट हर्ष मतलब खुश नहीं थे वो ऐसा है ना तो एक आ, थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक के हिसाब से कि उनका नाम तो ऐसे तो हर्ष है लेकिन अब वो हर्षित नहीं रहे खुश नहीं रहे अब वो दुखी हो गए जैसे पुल किशन टू ने उनका जो है आसपास का एरिया कौन किया है हर्ष नो लॉन्गर हर्ष ठीक है एल जो है वो चालुक्य डायनेस्टी की क्या थी कैपिटल क्या सिटी थी ए हम यहाँ पे देख सकते हैं एक मैप में मैंने अभी देखा था हम जब चालुक्य की बात कर रहे थे येरा ये, ये चालुक्य डायनेस्टी दिख रही यहाँ पे एल जो है इनका कैपिटल था ठीक है तो चाइलुक के डायनेस्टी एल इनका जो है वो कैपिटल था आपको दिख रहा हो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा आपको ऐसे पूरी पूरी बाउंड्रीज याद करने की जरूरत नहीं है पर आप जब ये डायनेस्टीज कवर हो जाए ना इसके बाद में हम लोग राजपूत और मुगल एम्पायर सारा कुछ हम देखेंगे तो आप क्या करना इंडिया का मैप लेना और उस तरीके से अपने हिसाब से सर्कल बनाना एक एक करके शुरुआत से जहां से डायनेस्टीज आई ना वहां से एक एक करके कि यहाँ पे ये डायनेस्टी इतने एरिया में ये वाली डायनेस्टी थी इतने एरिया में ये वाली डायनेस्टी थी या फिर पल्लव चालुक्य ये सारी आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं राउंड ऐसे सर्कल लगा लगा क्योंकि इधर वाली साइड पे चालू के थे इधर वाली साइड पे चेरा थे इधर की साइड पल्लवा थे इधर की साइड में पंडिया थे तो आपको एक धुंधला धुंधला आइडिया रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी कभी मान लो मैप में आ जाता है कि मार्क ए ओल ऑन द मैप तो ए ओल आपको पता होना चाहिए कि किसके कि अंदर है भैया चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था तो आप फट से क्या करोगे चालुक्य डायनेस्टी का एरिया आपको पता होगा और कैपिटल सिटीज तो सेंटर में होती है कैपिटल बनाए इसलिए जाते ताकि हर जगह का क्या रखा जा सके ध्यान रखा जा सके तो ऐल इसका कैपिटल था वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इट डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर विद ए नंबर ऑफ टेम्पल्स तो एओ के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए बहुत सारे टेम्पल्स हैं तो ये रिलीजियस सेंटर भी बन गया था जैसे कि कि उज्जैन 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 है 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 ना ना में कितने सारे मंदिर 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 भाई पैर पैर मतलब आप थोड़ी थोड़ी देर चले चले फिर मंदिर, फिर थोड़ी दूर चले, फिर मंदिर। तो ये बहुत रिलीजियस सिटी ऐसा ऐसा कहा जाता सारी तीर्थों से एक कण और आगे है उज्जैन तो ऐसा उस समय पे एयोल जो है वो 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 ना इन्होंने इधर से तो हर्षवर्धन को रोक दिया और हर्षवर्धन वॉज नॉट हर्षा अब अब हर्ष वो खुश नहीं थे साथ में हमने पल्लव की भी बात की थी ना पल्लव डायनेस्टी कहाँ कहाँ से थी कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक की तो उनके जो किंग थे ना पल्लव किंग जो थे उनको भी अटैक कर दिया था किसने पुला केशिन ने तो पल्लव वाला जो एरिया था ना वो भी पुला ने हड़प लिया था हड़प तो नहीं लिया था मतलब बराबर लड़ाई झगड़े करके जो भी वो वॉर वॉर लड़ते हैं वैसा सारा कुछ उन्होंने करके अपने एम्पायर के अंदर ले लिया था पल्लव किंग जो है ऐसा कहा जाता है कि वो

लिया। तो ये ये यहां से आए मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि असली में छुपे होंगे पर खुद की तारीफ लिख रहे तो बताना पड़ेगा ना कि सामने वाला छुपा था उसको मैंने ढूंढ के हराया समझ रहे हो कि नहीं तो ये सब प्रशस्ति से सोर्स मिला है इसलिए इस तरीके से इनके बारे में लिखा गया है चालुक्य विक्ट्री अभी भी शॉर्ट लिव थी मतलब इन्होंने चालुक्य ने क्या किया हर्षवर्धन को भी कर लिया वहाँ से भी सारा एम्पायर इन्होंने देख लिया इधर से इन्होंने पल्लव डायनेस्टी को भी हरा दिया पल्लव किंग को भी हरा दिया कांचीपुरम वाली साइड से और ले लिया लेकिन ज़्यादा समय तक इनकी डायनेस्टी चली नहीं तो चालुक्य डायनेस्टी थी तो इनकी विक्ट्री जो थी वो थोड़ी छोटी थी पल्लव एंड चालुक्य गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकुटा कुटा एंड चोला डायनेस्टी अब यहाँ से राष्ट्र और चोला डायनेस्टी जो है वो आ जाती है और इनकी विक्ट्री जो है वो छोटी हो जाती है तो पल्लव और चालुक्य के बारे में इतना हिस्सा है समझ गए कि नहीं समझ गए तो अभी हमने गुप्ता डायनेस्टी की बात की पल्लव डायनेस्टी की बात की चालुक्य डायनेस्टी की बात की हर्षवर्धन की बात की है ना थाने सर वाला एरिया उसकी बात की अब पल्लव और चालुक्य जो है उनकी विक्ट्री भी थोड़ी सी छोटी रही और किसके पास में आ गई सारा की सारी कमान आ, राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी के पास में आ गई तो चोला डायनेस्टी और इनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे किसमें अगला वाला जो चैप्टर आएगा ना जिसके अंदर अर्ली मेडिवल पीरियड और ये आ जाएंगे उसके अंदर चोला डायनेस्टी के बारे में आपको पता है अगला लेक्चर ही उन्हीं का होगा उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे चोला के बारे में ठीक है तो अब इसके अंदर और और दूसरी चीजें क्या है कि जैसे हमने अभी तक ये सारा मेन मेन साम्राज्य तो देख लिया कि राजा थे इस तरीके से इस तरीके से रहा करते थे इनके पिताजी ये थे इनकी माता ये थी आसपास वाला एरिया कौन सी डायनेस्टी ने किसको हराया कौन

सबसे पहले तो हमने यही देखा था कि कोई रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह नहीं होता था फिर धीरे धीरे टैक्सेस की बात होने लगी क्योंकि वो फोर्टिफिकेशन और ये सब चालू हो गया था आर्मी मेंटेन करना इन्होंने शुरू कर दिया था तो ये लोग क्या करने लगे थे टैक्स लेने लगे थे है ना तो बस अब वो टैक्स रेवेन्यू वाली चीजें जो है वो अब इनके लिए नॉर्मल हो चुकी थी तो रेवेन्यू और टैक्सेस वाला सिस्टम तो चल ही रहा था अभी तक कंटिन्यू वो था ही विलेज रिमेंड बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो छोटे छोटे कस्बे गांव है ना यही वाले एडमिनिस्ट्रेशन थे लेकिन अब इन्होंने क्या किया इन्होंने नए डेवलपमेंटल रूल्स बनाना शुरू किए मतलब अब जो रूल्स थे ना थोड़े से इन्होंने उसके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू किया क्यों शुरू किया कहीं ना कहीं ये बनाना चाहते थे अच्छे लोगों से अपनी बनाना चाहते थे कौन अच्छे लोग दिल्ली नंबर ऑफ स्टेप्स टू गेन सपोर्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जो कि या तो क्या हो सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल हो पावरफुल मैन हो जिनके पास में पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ हो उनसे यदि ये राजा लोग बना के रखेंगे तो जाहिर सी बात है इनको कभी भी जरूरत पड़ी कि कोई अटैक कर रहा है या इनको किसी पे अटैक करना है तो बढ़िया से सेना बुला लेंगे और वो सेना आ जाएगी इनका काम हो का जाएगा तो ऐसे बहुत सारी स्टेप्स इन्होंने लिए जिसकी मदद से ये इस तरीके के लोगों के साथ में अपनी बना के रख सके समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अब इनको बना के

थोड़े थोड़े से से स्टेप्स ले रहे थे ताकि जो पावरफुल लोग हैं जो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशली बहुत ज्यादा जो पावरफुल है उनका सपोर्ट इनको ज्यादा से ज्यादा मिल सके किस तरीके से स्टेप्स थे जैसे कि हेरिडिटरी चलती थी हेरिडिटरी इन्होंने चल, चलाना शुरू की हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत ऐसा कि एक एक वंश से दूसरा वंश उसका, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें तो हरी सेना की हमने बात की थी ना तो हरी सेन कौन थे जिन्होंने प्रशस्ति लिखी थी समुद्रगुप्त की समुद्रगुप्त के कोर्ट में ये थे है ना तो इनको ये पोजीशन किससे मिली थी ना इनके पिताजी से ही मिली थी है ना ये हरिसेन जो थे ये महादंड नायक थे क्या थे महादंड नायक इंग्लिश में बोले तो क्या होता है चीफ जुडिशियल ऑफिसर मतलब जो न्याय देता है है ना? जो न्याय अगर न्याय देना है किसी को कि इसको ये दंड देना, इसको ये ये दंड दंड देना देना है है उसका सारा काम काज और ये सब कौन संभालते थे ये हरिसेन जी संभालते थे तो इनको ये पोजिशन किससे मिली थी इनके पिताजी से मिली थी यानी कि समुद्रगुप्त के ही साम्राज्य में जब इनके पिताजी या फिर समुद्रगुप्त से भी पहले चंद्रगुप्त थे ना तो उनके साम्राज्य में इनके पिताजी भी काम किया करते थे यही वाली पोजिशन पे थे फिर इनके बेटे हुए तो हरिसेन हुए तो हरिसेन ने भी यही वाली पोजिशन ले ली तो मतलब पावरफुल होंगे ना इनके पिताजी फिर हरिसेन भी पावरफुल निकले थोड़े से ऐसे कि अच्छा सा काम कर सके किया हरिसेन ने तो भैया इनकी प्रशस्ति लिखी जो हम आज तक पढ़ रहे हैं है ना तो ये चीजें इनके काम में आई कहीं ना कहीं तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है उसके ऊपर ये लोग क्या कर रहे थे कि इनके पिताजी हैं अब यही इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो आने वाले इनके बेटे को दे दो फिर इनके बेटे को दे दो फिर इनके बेटे को दे दो समझ गए कि नहीं समझ जैसे राजा तो राजा का बेटा राजा राजा के बेटा राजा राजा का बेटा राजा जब तक वो हार नहीं जाए साम्राज्य और दूसरा साम्राज्य ना आ जाए है ना तो ये हेरिटेज वाला काम काज शुरू किया था दूसरा क्या किया था वन पर्सन एड मनी ऑफिस तो मतलब एक ही इंसान को बहुत सारे काम काज भी सौंप देते ताकि उसको अपने अंदर ऐसी फीलिंग आए कि राजा से भी बड़ा मैं मतलब अंदर ही अंदर आनी चाहिए बाकी भले हो या ना हो फीलिंग अंदर ही रहेगी तो मोटिवेशन बना रहेगा है ना तो वन पर्सन एंड मेनी ऑफिस की बात करें तो इसमें भी आप हरी सेन का एग्जाम्पल दे सकते हो इतनी इंपॉर्टेंस दी थी भैया हरी सेन को हरिसेन ने फिर रिटर्न में दिया भी बहुत कुछ अच्छा इनको है ना तो हरिसेन क्या थे एक तो मैंने आपको बताया महादंड नायक दूसरा और वो क्या थे कुमार अमात्य आपने कुमार अमात्य बहुत सारे जगह पे आप एपिक स्टोरीज देखी होगी आपने आ, अपना अशोक साम्राज्य की या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की ऐसी बहुत सारे सीरियल्स वगैरह आते हैं ना तो उसके अंदर आपने नाम सुना होगा ऐसे बुलाते हैं तो कहते हैं कुमार अमात्य या अमात्य ऐसे कह के बुलाते हैं तो ये कुमार अमात्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कुमार अमात्य का मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो मंत्री होते हैं ना उनकी सभा में बहुत सारे मंत्री होते हैं बैठे 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 होते हैं तो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कौन होते हैं कुमार अमात्य होते हैं तो कुमार अमात्य भी थे ये साथ में संधि विग्रहिक कौन संधि विग्रही का क्या ना, क्या होता है मतलब इसका मतलब क्या होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस संधि करना मतलब समझते हो दोस्ती करना है ना मतलब कहीं ना कहीं जुड़ाव संधि मतलब क्या होता है जुड़ाव हो.

ऑफिसेज तीसरा हमने देखा इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो इम्पोर्टेंट मैन थे जो अच्छी पोस्ट पे जो मैन थे अच्छी पोस्ट पे जो व्यक्ति थे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी बात रखा करते थे उनको हक दिया गया था कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी बात रखें क्योंकि देखो शुरुआत हमने कहाँ से की कि ये लोग रेवेन्यू और वाला काम तो इनका चल ही रहा था साथ में इन्होंने स्टेप्स लेके आए थे क्या जैसे कि पावरफुल लोगों के साथ में अपनी बना के रख सके है ना जो सोशली पॉलिटिकली हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो इंसान पावरफुल को अगर कोई पावरफुल इंसान है उसके साथ में अगर अपने को बनानी है और अपन राजा है सामने वाला व्यक्ति पावरफुल है तो उसको अपने जगह पर भी जब वो अपने यहां पर अपने आसपास भी रह रहा है तो उसको ये चीज फील करवाओ कि वो क्या है बहुत ज्यादा पावरफुल है जब तक उसके मन में रहेगा अरे मैं मेरे से तो सब वैसे रखना चाहते हैं और मैं तो ऐसा मैं तो वैसा ऐसी जब उसको अच्छी अच्छी फीलिंग आती रहेगी अपने आप उसके साथ में आपकी बनी रहेगी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी तो बस यही चीज ये कर रहे थे इनके साथ में बनानी है बहुत सारे ऑफिसेस दे दिए इनके पिताजी के साथ में बनी हुई थी तो बेटे को भी वही बना दिया है साथ में यदि और दूसरों को भी बनाना है तो ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दो उनको अलग अलग जगह पे कि भैया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये काम करना है आपको संभालना है साब है ना जैसे कि अगर किसी को मान सम्मान देना होता है तो क्या कहते हैं अरे अरे आपको ही देखना है अरे अरे आपको देखना है मोसा जी या मा मामा मा या फिर फूफा जी होते शादी वगैरह में है ना अगर आप उनके साथ उनके यहाँ पे इनविटेशन दे आ रहे हो तो कैसे करते हैं वैसे पेरेंट्स लोग के अरे अरे आपको ही देखना है अरे आपके बच्चों की शादी अरे आप ये तो उनको भी कैसे लगता है कि अरे हाँ हम रिस्पेक्टेड हैं हमको बुलाया जा रहा है हमको आदर दिया जा रहा है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो वही चीज़ यहाँ पर भी ये लोग कर रहे थे नगर श्रेष्ठी ऐसी अलग अलग पोस्ट इन्होंने दे रखी थी इंपॉर्टेंट मेन को ऐसी अलग अलग पोस्ट दे रखी थी जैसे कि नगर श्रेष्ठी कौन थे चीफ बैंकर एंड मर्चेंट ऑफ द सिटी तो ये ध्यान रखते थे लेन देन वगैरह का है ना और क्या था सरतवा लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां जो कारवां एक जगह से दूसरी जगह ले लेकर जाते थे ना तो उनके लीडर का नाम मतलब उनके जो लीडर होते थे उनको ये पोस्ट दी हुई थी प्रथम को लिखा कौन थे भैया चीफ क्राफ्ट क्राफ्टमैन थे ना जो मतलब विलेजेस के अंदर क्राफ्टमैन होते हैं अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं उसी में फिर ट्रेडिंग की जाती थी तो वो क्राफ्टमैन वाला जो हिस्सा था हिस्सा होता होगा उस साम्राज्य का तो उसके लिए भी इनको पोजिशन दे दी कि आप प्रथम कुलिका की ये ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ें बन रही हैं क्या नहीं बन रही हैं तो क्राफ्टमैन वाला हिस्सा सारा कुछ ये संभालेंगे और हेड ऑफ कायर्स था एंड स्क्राइब्स स्क्राइब्स और ये कौन होते हैं जो थोड़े से उनको उस समय पे आ, अभी भी जैसे कायस्थ कम्युनिटी होती है ना बहुत सारी तो ऐसे उस समय पे भी कायस्थ और स्क्राइब्स हुआ करते थे तो ये यूजुअली इनको आ, लिखना पढ़ना ज़्यादा आता था और क्या करते थे जैसे इंस्क्रिप्शन बनाना है कॉइन के ऊपर बनाना है या फिर हमने पढ़ा था क्या वो स्टैम्प वगैरह मुहर जो होती है है ना सील होती है तो वो भी कौन बनाया करता था कायस्त यानी कि स्क्राइब्स ही बनाया करते थे तो इनको भी हेड ऑफ़ कायस्थ और स्क्राइब्स भी जो है वो बनाया करते थे तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई थी ताकि क्या हो कि जब पोजीशन मिली रहेगी तो इनके साथ में दोस्ती भी बनी रहेगी दोस्ती बनी रहेगी तो काम चलता रहेगा समझ गए कि नहीं तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई थी ताकि बना के रखे बस ये लोगों से तो ये चार तरीके से तीन तरीके से आप ये पॉलिसीज़ देख सकते हो तीनों पॉलिसीज़ को ऐसे ध्यान में रखना कि ये पॉलिसीज थी और इससे काफ़ी अच्छी इनका कामकाज जो है वो चल रहा था तो ये पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी काफ़ी अच्छी थी इवन दे वर वेरी मच इफेक्टिव पर बहुत जल्दी क्या हुआ बहुत सारे दूसरे पावरफुल मैन जो है वो ग्रो करने लगे एंड दे हार्ट सेटअप इंडिपेंडेंट किंगडम्स मतलब जैसे कि अभी हमने देखा ना कि बहुत सारे लोगों को इम्पोर्टेंट पोस्ट दे दी थी अब वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए इतने अपने आप में ऐसे हो गए कि हम बढ़िया हैं और हम जो है वो पूरा साम्राज्य संभाल सकते हैं तो कई बार वो क्या करते थे पूरी की पूरी डायनेस्टी से ही अलग हो जाते थे कि ये इतना इतना हिस्सा जो है वो हमारा हमको तो इंडिपेंडेंट होना है समझ गए कि नहीं समझ गए ऐसे सामंत में आप अधिकतर देखोगे सामंत uh, की हम बात करते हैं सामंत ही आ गए चलो सामंत की बात करेंगे उसी में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी तो सम किंग्स मेंटेन्ड वेल ऑर्गेनाइज आर्मी आर्मी की यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे किंग्स जो थे वो बहुत वेल मेंटेन्ड आर्मी रखना पसंद करते थे जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैवलरी हो चैरियट मतलब रथ हो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया से एलिफेंट हो फूट सोल्जर्स हो जो फूड सोल्जर्स मतलब क्या जो पैरों से सोल्जर्स चलते हैं ना कि सेना लेकर चलते हैं ऐसा तो बहुत सारे ऐसे सैनिक हो फूट सैनिक समझ सकते हो आप है ना तो बहुत सारे सैनिक हो बहुत बढ़िया बढ़िया हाथी हो और घोड़े हो और रथ हो ऐसे तो बहुत सारे आर्मी मेंटेन करना बहुत सारे किंग पसंद करते थे तो भी आर्मी को आर्मी का ध्यान कौन रखता था ये सामंत ध्यान रखा कर सकते रखा करते थे कौन थे सामंत मिलिट्री लीडर्स मिलिट्री लीडर्स जो है वो सामंत थे क्या क्या करते थे ये प्रोवाइडेड किंग विद वे ट्रूप नीडेड जब भी जरूरत लगती थी

पास में तो इतनी इतनी बड़ी सेना है तीन हजार चार हजार सैनिकों की जो है वो सेना है इस तरीके से तो वो पूरा ध्यान कौन रखता था सामंत ध्यान रखते थे इनकी कोई रेगुलर सैलरीज नहीं होती थी ये ग्रांट ऑफ लैंड इनको दिया जाता था कि मतलब ये लैंड रख लें और उसके ऊपर उसमें से जो रेवेन्यू निकल रहा है वो रख लें और उससे अपना ये सारा काम काज जो है ये चलाया करते थे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड यूज टू मेंटेन आर्मी उसी रेवेन्यू से फिर ये अपना काम काज भी चलाते थे और आर्मी को भी मेंटेन किया करते थे बाकी सारी लैंड से भी इनको रेवेन्यू मिलता ही था है उसको भी कलेक्ट करते थे रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड वेन एवर रूलर वॉज वीक सामंता स्ट्राइट टू बिकम इंडिपेंडेंट सामन मतलब जब भी रूलर वीक रहता था ना कि कमज़ोर सा रूलर है मान लो कि अब रूलर्स कैसे बनते थे कि एक पर्टिकुलर इंसान ने बहुत मेहनत कर ली खूब ध्यान दिया और बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने बना लिया था जीरो से स्क्रैच से मेहनत करके बड़े बड़े साम्राज्य बनाया करते थे रूलर्स राजा वो डिजर्व भी करते थे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नालायक निकल जाते बहुत सारे राजा के बेटे ऐसे ही निकल गए तो फिर जब वो कमज़ोर से निकलते ना बेटे वगैरह या फिर कमजोर राजा अगर हो जाता तो फिर वो सामंत रहते थे ना वो अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे कि इतना इतना टुकड़ी हमको दे दो हमको तो नहीं रहना इस राज्य के साथ में और हम अलग हो जाएंगे तो वो आपस में भी ऐसे करके उनका काम लगाता था सामंत के बारे में अगर आपको कोई चीज याद होगी आप अगर एनटीएससी वाले पूरे लेक्चर्स में मेरे साथ में जुड़े हो तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में समझा था फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम क्या होता था फ्यूडल सिस्टम वही होता था सामंतवाद सामंतवाद मतलब कि पूरा एरिया जो है पूरा एरिया जो है जो भी साम्राज्य होता था राजा का उसके अंदर वो सामंत बिठा देते थे कि इतने एरिया आपको संभालना है इतना एरिया आपको संभालना है इतना आपको संभालना है इतना आपको संभालना है समझ रहे हो कि नहीं अब ये जब रूलर वीक हो जाता तब भी मैंने आपको बताया था कि जब रूलर वीक हो जाता था तो ये सामंत क्या करते थे अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया करते थे तो जब उधर यूरोप में नेपोलियन निकला था और नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम खत्म किया था यानी कि सामंतवाद खत्म किया था तो राजा लोग वहां के जो राजा थे वहां के जो किंग्स थे वो बड़े खुश हुए थे याद है कि नहीं है याद है आपको तो उससे मैं सोचा रिलेट करा दूं ताकि आपको वो भी ध्यान रहे ऐसे भूलते मत जाना हवा की तरह सारा कुछ आने वाला है भाई रिलेट करते चलना यहाँ सामंत बोला है तो वैसे ही वो सामंत भी आपको याद आने चाहिए यूजअली ऐसा होता था कि सामंतवाद की यही प्रॉब्लम थी कि फिर वो सामंत भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते थे इवन कई बार राजाओं से स्ट्रांग हो जाते थे क्योंकि यूजअली वो आर्मी वगैरह लीड करते थे तो जो जनरल पब्लिक होती थी उनसे इनकी जो है वो बातचीत वगैरह ज़्यादा होती थी तो फिर ये अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे सामंत तो फिर ये पूरा का पूरा राज्य अपना अलग कर लेते थे और इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया करते थे ठीक है समझ गए कि नहीं समझ गए अब उसके बाद में आता है ये अभी हमने किसकी बात की आर्मीज की बात की किस तरीके से आर्मी को रखा जाता था किस तरीके से सामंत हुआ करते थे और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली आर्मी की बात कर ली अब असेंबली इन सर्दर्न किंगडम की हम बात करते हैं साउथ वाली साइड में कहाँ कौन कौन साउथ वाली साइड में कौन कौन थे चोला चेरा पंड्या सब कुछ है पल्लवा चालुक्या

ब्राह्मण लैंड ओनर्स की जो असेंबली होती है वो सभा होती है ये यूजुअली क्या ध्यान रखा करते थे ये सब कमिटीज में काम करते थे कैसी सब कमिटीज जैसे कि सभा उसके मेन लीडर फिर कमिटीज़ जो फिर अलग अलग जगह पे ध्यान दे रही है समझ गए कि नहीं समझ गए तो ये अलग अलग जगह पे ध्यान देते थे तो पूरी तरीके से अच्छे बढ़िया तरीके से काम होता था लोक डाफ्टर इरीगेशन एग्रीकल्चर ऑपरेशन मेकिंग रोड्स लोकल टेम्पल्स ये इनका काम क्या होता था ये सारा ये सब कमिटीज किस पे ध्यान देती थी जहां जहां की भी सब कमिटी थी जैसे कि अब चालू की डायनेस्टी है तो बहुत सारा उन्होंने ले लिया तो अब हर जगह सब कमेटी होगी ना हर जगह रोज रोज फ्लाइट थोड़ी होती है इधर से बैठ के जाके उधर चेक कर ले है ना नहीं देख सकते उनको तो घोड़े पे बैठ बैठ के जाना होता था हाथियों पे बैठ बैठ के जाना होता था तो अलग अलग जगह सब कमेटी रखा करते थे पत्रों के थ्रू संदेशों के थ्रू ये बात किया करते थे कि कहाँ पे क्या चल रहा है तो ये ध्यान किस चीज पे रखते थे ये ध्यान रखते थे लोकल रोड टेम्पल्स वगैरह सारी चीजों पर समझ गए कि नहीं समझ गए तो आपको यदि याद होगा ब्राह्मण की यहाँ पे बात हो रही है यहाँ दो कमिटीज हम देखेंगे एक तो ब्राह्मण की कमेटी जो कि हमने सभा देखी और जो है वो विलेज असेंबली है एंड इट वाज लैंड ओनर्स दैट वर नॉट ब्राह्मण तो ब्राह्मण लोगों ने अपनी असेंबली अलग बना रखी है नॉन ब्राह्मण लोगों ने अपनी असेंबली अलग बना रखी है और यदि आप साउथ साइड की हिस्ट्री देखोगे ना तो वहाँ पे अभी भी यही चलता है वहाँ पे ऐसा लगता था ना बहुत सारी चीज़ें फिर उस उन लोगों के लिए लॉज भी बनाए गए थे अगर आपको याद हो तो यदि आप साउथ में हैं और उधर से देख रहे हैं तो रिलेट कर पाएंगे कि ब्राह्मण जो है उनको नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी को ऐसा लगता था कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो उनकी सारी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ले लेती है और उनको जॉब ऑफर वगैरह नहीं मिलते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको प्रेफरेंसेस नहीं दी जाती नॉन ब्राह्मण्स लोगों को तो वहाँ पर ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे रहता है कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे रहता है तो वो आज से नहीं है इस समय से सभा जो है वो ब्राह्मण लोगों की थी जो लैंड ओनर जो ब्राह्मण के थे वो सभा थी और उर जो है वो विलेज असेंबली थी ये नॉन ब्राह्मण लोगों की थी ठीक है ये विलेज असेंबली थी एरियाज वेयर लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण वो एरिया जहां पर लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं है वहां पर कौन कौन सी कमिटीज थी और हमको वहां पर देखने को मिल रही थी नगरम की यदि हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन था नगरम तो नगरम में वो मर्चेंट्स को जो भी जुड़ी जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स रहती थी तो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसी बात करते थे कुछ ट्रेड है मर्चेंट्स तो ट्रेड वगैरह को लेकर बात करेंगे तो इनके ऑर्गेनाइजेशन थे वो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग को लेकर बात करते थे उसको ज्यादा एक्सपांड करने की बात किया करते थे तो नगर हम आपको ध्यान रखना है तो साधन रीजन में तीन तरीके की हमने असेंबलीज देखी पहली सभा विच वॉज ऑफ ब्राह्मीण और तीसरी हमने देखी क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट जिसको हम कहते हैं नगरम लाइकली टू बी कंट्रोल बाय रिच पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज तो ये बहुत सेंचुरीज तक ये अभी भी सदन रीजन में देखने को मिलती है सभा उर नगरम काफी समय तक देखने को मिली और इनके इनको लीड कौन करता था जो लैंड ओनर में भी जो रिच पावरफुल लैंड ला, ओनर्स वगैरह होते थे वो इनको लीड किया करते थे समझ गए कि नहीं समझ गए अब ऑर्डिनरी लोगों की आखिरी में बात कर लेते हैं कि अभी तक तो, तो मैम आपने किंग ही किंग के बारे में बताया सावंती सावंती के, के बारे में बताया उनमें रहने वाले कोर्ट पोएट्स के बारे में बताया नॉर्मल जनता की भी कोई बात है कि नहीं ये रह भी रही थी खाली किंग ही किंग थे सब दूर ऐसा नहीं है नॉर्मल जनता भी थी नॉर्मल जनता के बारे में ऐसा है कि नॉर्मल जनता के बारे में थोड़ा सा कम पता चलता है क्यों कम पता चलता है क्योंकि राजा बड़े होते हैं अब वो राजा बड़े होते हैं तो उन्होंने प्रशस्ति लिखवाई हुई है इंस्क्रिप्शन अपने बारे में लिखवाए हुए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद रखें अब नॉर्मल इंसान को तो क्या है उसको तो वैसे ही जिंदगी अपनी काटनी है तो वो क्या प्रशस्ति लिखवाएगा क्या इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा क्या उसके बारे में कुछ पता चलेगा वो तो ऐसा है कि कि कुछ ऐसी कहानियां मिल जाए जिसके अंदर बात की गई हो कि नगर में लोग ये ये कर रहे थे तो वहीं से से हमको हमको थोड़े थोड़े टुकड़ों से हमको पता चला कि के ऑर्डिनरी लोग लोग या उस समय के ऑर्डिनरी किस तरीके से अपना जीवन यापन किया करते थे तो ऐसे ही कहानी किसकी कहानी से हमको पता चला कालीदास की कहानी से हमको नॉर्मल लोगों के बारे में पता चलता है कालीदास ने बहुत सारी बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं जिससे हम नॉर्मल लोगों की जिंदगी के बारे में समझ सकते हैं कि इस तरीके से वो रहा करते थे कैन क्या है जो ओकेजनल ओकेजनल ग्लिम्स ओकेजनल ग्लिम्स लिखा है कि कभी-कभी ही आपको नॉर्मल लोगों की बातें जो है वो पता चलेगी बाकी तो किंग 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 ही चलता रहेगा है ना किंग उनकी आर्मी ये डायनेस्टी वो डायनेस्टी नॉर्मल लोग जो है उनके बारे में हमको थोड़ा सा कम पता है थोड़े-थोड़े टुकड़ों से हमको पता चला आ, ग्लिम्स ऑफ लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम पैलेस एंड अदर अकाउंट्स ठीक है तो प्लेज और अगर अदर अकाउंट से हमको बता सकता है कालिदास ने किस तरीके से बताया कालिदास कौन थे ये भी देख लो ही वॉज नोन फॉर प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग्स कोर्ट किंग का जो राजा का साम्राज्य था उसके अंदर किस तरीके की जिंदगी जीते थे लोग क्या करते थे क्या कहानियाँ थी उसके बारे में कालिदास ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कालिदास जी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं किंग एंड मोस्ट उन्हीं की कालिदास की जो रचनाएं हैं उन्हीं से हमको पता चलता है कि जो किंग और ब्राह्मण थे ना वो क्या बोला करते थे वो संस्कृत में बातें किया करते थे साथ ही जब वो नॉर्मल लोगों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं ना तो उसमें वो उससे हमको ये पता चलता है कि जो नॉर्मल मैन और वुमेन थे वो प्रकृत भाषा बोला करते थे समझ गए कि नहीं थे ये दो तरीके से आप भाषाओं के बारे में देख सकते हो साथ ही में उनका एक एपिक है एक प्ले है अभी जनन सक, शकुंतलम आपने सुनी होगी शकुंतला और आ, इनकी कहानी है आ, एक लव स्टोरी है उनके बारे में बताया गया तो ये नॉर्मल थे नॉर्मल लोग थे फिर वो राजा बन जाते हैं ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बताई गई है तो इट वॉज़ अ लव स्टोरी बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला शकुंतला और दुष्यंत के बीच की कहानी है तो उसके अंदर ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली है तो उसी से हमको पता चला कि भैया किंग जो है वो किस किस लैंग्वेज में बात करते थे नॉर्मल लोग किस लैंग्वेज में बात करते थे अब यहीं पर प्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन के बारे में भी बताया है अभी जो शकुंतलम जो है वो किसने लिखी थी कालिदास ने लिखी थी, ने लिखी थी ये याद रखना और इसी से हमको ऑर्डिनरी लोगों के बारे में पता चलता है इट वॉज़ अ लव स्टोरी बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला उस समय की कहानी थी ठीक है और यहीं से एक छोटा सा एक पार्ट है इन्हीं के वर्ड्स में से एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर एक पुअर फिशरमैन की के ऊपर एक तरस जैसा आता है क्यों आता है क्योंकि दुष्यंत दुष्यंत जो जो राजा थे, राजा थे थे उन्होंने शकुंतला को भेंट में दी थी एक अंगूठी है अब वो अंगूठी जो थी वो कहीं ना कहीं नदी में बह गई थी नदी में बह गई थी तो एक फिश के मुंह में शायद वो चली गई थी अब फिशरमैन कौन था फिशरमैन जो था वो उसने मछली पकड़ी और फिश के पास से उसको मिली अंगूठी तो वो अंगूठी लेकर बेचारा एक तो वो रख सकता था सबसे बड़ी बात वो रख सकता था लेकिन वो लेकर गया राजा दुष्यंत के दरबार में कि यार ये जिसकी भी हो किसी की अंगूठी होगी आया होगा कोई ढूंढने के लिए ढूंढ रहा होगा हो सकता है परेशान हो गई गरीब व्यक्ति हो तो चलो मैं राज दरबार में देकर आता हूँ जिसकी भी होगी फिर वो वहां से ले जाएगा तो फिशरमैन ईमानदार था वो जब बेचारा यहाँ से जाता है ना तो राजा दुष्यंत के कोर्ट के जो सिपाही वगैरह होते हैं सैनिक वगैरह होते हैं वो फिशरमैन को क्योंकि राजा दुष्यंत और शकुंतला भी बहुत

फिर बीच में उसको ऐसा कह दिया कि यही चोर है अंदर लेके गए तो चलो राजा दुष्यंत ने मान लिया राजा दूषण तो नहीं मानते तो उन्हें मान के कि चलो ये लेकर आया है उसकी कहानी मानी कि मेरे को तो फिश के मुंह में से मिली ऐसा वैसा फिर वो जब रिटर्न में उसको कुछ भेंट देते हैं तो वो भेंट चतरे ये यहाँ से जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं ये बांट लेते कहते हैं कि हमने तेरे अंदर जाने दिया था वाह तुझे तो भेंट मिली है तो चल ये अपन लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते फिर साथ में वो लोग ड्रिंक वगैरह करने जाते हैं तो ऐसी लाइट बताई थी कि नॉर्मल सा इंसान अगर होता है तो फिर उसके उसको ऐसी ऐसी चीजें भी करने को या देखने को वहाँ पर मिलती है कि क्योंकि पहले मिली है। सब उस समय पे नहीं होता था ना फिर वो जो, जो मान लिया वो मान लिया ठीक है तो ऐसी कहानी बताई है छोटी सी कभी एमसीक्यू में वैसे तो ऐसा कुछ आएगा नहीं लेकिन पता होनी चाहिए तो यहाँ से हमको नॉर्मल लोगों की जिंदगी के बारे में भी पता चलता है साथ में पिलग्रिम थे हाँ जुआन जैन के बारे में हमने अभी बात की जो भी बुद्धा के टाइम पे भी हमने देखे और इधर भी हर्षवर्धन के कोर्ट में भी वो बैठा करते थे साथ ही में फाजियान के बारे में भी हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पे देखा था ये भी पिलग्रिम थे चाइनीज पिलग्रिम थे और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है इनको बड़ा बुरा लगता था जब वो हमारे यहाँ पे आए थे देखने और इन्होंने छुआछूत वाली प्रथा यहाँ पर देखी क्या होता था कि वो इतनी मतलब छुआछूत पहले नहीं होता था ये कब से होने लगा जब पंडितों ने वर्णों का डिवीजन किया अर्ली स्टेट में हमने पढ़ा कि वर्णों का डिवीजन हुआ है ना कि ब्राह्मण सबसे टॉप पे रहेंगे क्षत्रिय उससे नीचे रहेंगे उससे नीचे जो है वैश्य रहेंगे सबसे नीचे शूद्र रहेंगे है ना फिर वो शूद्र में से ही कुछ लोगों को अनटचेबल घोषित कर दिया ठीक है जी मतलब छुआछूत क्योंकि जो साफ सफाई या फिर जो लोग अपने क्रिमिशन जो बरियल वगैरह परफॉर्म करते थे है ना मृत्यु के बाद में तो उन लोगों से वो चीज़ धीरे धीरे करके बढ़ती गई तो वो इतनी बढ़ती गई इतनी बढ़ती गई कि अभी तक भी आप देख ही रहे हो उन सारी चीज़ों को लेकिन यहाँ पर फाजियान इसके बारे में बताते हैं ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी इतनी ख़राब उस समय पर थी कि यदि कोई व्यक्ति है वो अनटचेबल है या फिर उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है जिसको वो लोग अनटचेबल मानते हैं तो वो जा रहा है यदि कहीं दरबार में राज दरबार में जा रहा है या फिर कहीं पे जा रहा है तो वो अपने साथ में एक स्टिक रखता था और यदि वो जा रहा है तो वो स्टिक बजाते हुए जाता था ताकि सामने वाले व्यक्ति जो दूसरे खड़े हैं राज दरबार में या फिर आस से निकल रहे हैं उनको पता हो कि इससे दूरी बना के रखनी है तो इसके बारे में फाजियान बताते हैं कि इतनी ख़राब कंडीशन थी और ये अनटचेबिलिटी कौन करता था ख़ासकर जो बड़े लोग थे पावरफुल लोग थे कहने को बड़े लोग पावरफुल लोग हो होंगे लेकिन जिनकी सोच इतनी छोटी है वो तो क्या ही बड़ा और पावरफुल हो सकता है मैं बार बार मैं इस चीज़ में राम राज्य का एग्जाम्पल देती हूँ पिछले बार भी मैंने दिया था इस बार भी मैं देती हूँ कि ये चीज़ किसी भी मूल्य की नहीं है जब भगवान राम यहाँ से वनवास जा रहे थे जब वो वनवास जा रहे थे तो उनको जो केवट मिले थे जो लेकर जा रहे थे उनको उन्होंने नदी पार करवाई थी आ, उस पार जाने के लिए तो वो भी उस समय पर अनटचेबल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जिससे बाकी लोग छुआछूत मानते थे लेकिन उन्होंने उनके जब पैरों की पूजा की सब कुछ किया फिर वही जल उन्होंने पिया भी तो भगवान राम ने उनको इतना सम्मान दिया कि जब वो वन से वापस लौटे तो उन्होंने उस केवट को अपने राज दरबार में बराबर का सिंहासन देते हुए जितने जो मंत्री थे उनका जो सिंहासन था उसी तरीके का सिंहासन उन केवट को भी दिया और उनको भी अपने राज दरबार में जो है वो बिठाया उनको भी बराबर सम्मान दिया तो जब भगवान इन चीज़ों में नहीं मानते तो फिर इंसान क्या चीज़ है है न तो इस चीज़ को हमको सीखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में कि अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ हम कभी भी गलती से भी भूल ना करें क्योंकि ये तो कुछ लोगों की सोच थी जो बीच में आई क्योंकि उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था ये कुछ लोगों की सोच थी जो बीच में आई फिर बढ़ते चली गई लोगों ने दिमाग नहीं लगाया और खुद को पावरफुल बताने के लिए दूसरे इंसान को नीचे रखना शुरू कर दिया लेकिन आ, अच्छी बात नहीं है उन लोगों को आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी पर रहने के लिए कहा जाता था कि वो मतलब बाकी पूरे जो सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनसे दूर रहें अनटचेबिलिटी बना के रखें तो वो काफी बहुत बहुत समय समय से ये पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं और फिर अब तो जब उनको सम्मान मिलता है तो फिर लोग उस चीज को भी खराब कहते हैं तो वो तो मिलेगा जाहिर सी बात है जब आपने इतने समय तक इतना बुरा किया कि चल रहे हैं तो छड़ी मारते हुए चलो या फिर परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए ये चीज की है तो अब तो फिर उनको सम्मान मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए तो अनटचेबिलिटी के बारे में यहां पर बताया गया है बाण भट्ट के बारे में बताया गया है कि बाण भट्ट ने क्या किया एक विविड पिक्चर दी किंग आर्मी ऑन मूव की जब राजा जो होता था राजा अपने सेना के साथ में जाता था पूरे दरबार में लोगों से बात-बात करने के लिए जब वो निकलता था राजा तो उसके बारे में बताया है कि आ, किस तरीके से वो निकलते थे और क्या पूरा माहौल होता था बहुत तो ही भयानक माहौल बांध भरने डिपिक्ट किया है कि जब वो जाते थे तो कुछ सारे को सारा सामान लेके जाते थे सोने के उस मतलब अपनी क्या होती है पैलेंकून होती है ना उसके ऊपर जाती थी रानियाँ उस पर जाती थी राजा घोड़ों पर जाते थे और साथ में फिर वो खाने पीने का ढोल नगाड़े बाजे बाजे सब कुछ फिर वो उम्मीद करते थे कि जो विलेज में रहने वाले नॉर्मल लोग हैं वो आए और उनको क्या दें ट्रिब्यूट दें गुड़ दें कर्ट दें या फिर स्वागत में सत्कार करें है ना और फिर जानवरों को भी साथ साथ में ले लेकर जाते थे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि पूरा जो विलेज जो है वो धूल धूल में ऐसे हो जाता था कि राजा साहब आए राजा साहब आए हैं उनकी वेलकम करने के लिए तो ऐसा इन्होंने डिपेक्ट किया है एक ये छोटा सा है आपको एनसीआर में दिया है ऐसा कुछ खास नहीं है पर हाँ ये बताया है कि किस तरीके का माहौल राजा साहब के लिए हुआ करता था ठीक है तो भाई यहाँ तक आई होप यही इतना ही है आपका चैप्टर तो हाँ तो ये यहाँ पर हमने आज किस किस के बारे में पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा पुले किशन के बारे में पढ़ा है ना और फिर उसके बाद में हमने आगे चालूक्य डायनेस्टी पल्लव डायनेस्टी पुले किशन की थी है ना किस तरीके से फैली किसने किसको हराया कहाँ तक ने क्या नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके आए टैक्स के लिए क्या क्या किया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्या क्या किया अनटचेबिलिटी के बारे में बताया है ना और हमने नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के बारे में बात की कालीदास के थ्रू हमने चीज़ें देखी है ना तो सारी चीज़ें आई होप अभी तक के आपको क्लियर है इसके बाद में हम लोग जो है वो हमारा मेडिवल वाला हिस्सा शुरू कर देंगे तो यहाँ पे आपको गुप्ता डायनेस्टी की मैंने आपको जो टाइमलाइन बताई थी आई होप आप सारी वीडियोस देखने के पहले एक बार वो टाइम वाली वीडियो जरूर देख आ रहे हो कंप्लीट टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री आपने हिस्ट्री उठाया है उसके पहले वाली वीडियो एक बार जरूर देखना आपको पूरी टाइम पता चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसके बाद में क्या पढ़ना है हिस्ट्री को सीरीज में ही पढ़िएगा रैंडम मत उठा लीजिएगा अगर आप किसी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं कि बेस क्लास में ही हूँ अभी और यही पढ़ना है समझने आए हो बात

एन टी एस सी क्लिक कीजिएगा मेरे वीडियोस आपको इस तरीके से मिल जाएंगे सारे विडियो जो है वो अवेलेबल है बहुत सारा हम लोग सिलेबस अभी तक कवर कर चुके हैं टाइम से पहले सारा कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगी बिल्कुल भी चिंता मत करना ठीक है और भी हम लाइव क्लासेस वगैरह लेकर आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे वीडियोज को अच्छे से अभी समझ लो कंसेप्ट अच्छे से ग्रैप कर लो फिर क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे ऐसे बहुत आसानी से हम कर लेंगे ठीक है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है एन टी एस सी मैथ सैट स्टेज वन स्टेज टू सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले मेरे वीडियो सात बजे शाम को आया करते थे लेकिन अब सुबह के टाइम पे आपको मिला करेंगे दस बजे के आसपास है ना रिमाइंडर आप बिल्कुल लगा के रखिएगा ताकि आप मिस ना करें कॉपी पेन नोट्स लेके बैठिएगा मम्मी पापा के साथ भी बैठ सकते हो अच्छी अच्छी कहानियां इसके अंदर आपको मिलेंगी और बहुत सारा नॉलेज हिस्ट्री के अंदर मिल सकता है ठीक है अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना भूल जाए अभी तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में